हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हम ग्राफ थ्रू समझेंगे कि लीडिंग पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं। जो यहाँ पर पावर फैक्टर है उसका इक्वेशन क्या है, जो रियल पावर अपॉन टोटल पावर। रियल पावर है मीन्स उसको आप एक्टिव पावर भी बोल सकते हो। उसका रेटिंग है जो KW में रहता है, और जो टोटल पावर है उसका रेटिंग है जो KVA में रहता है। तो KW अपन KVA इज इक्वल टू cos φ। cos φ हमारा क्या है, जो पावर फैक्टर है। यहाँ पे जो मोटर का रेटिंग है जो KW में रहता है, और ट्रांसफार्मर का रेटिंग है जो KVA में रहता है। और KW एंड KVA में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हो। तो चलिए अगर हम देख लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या है। कोई भी वायर है मीन्स कि कोई कंडक्टर है, उसमें से जो पावर फ्लो हो रहा है उसमें वोल्टेज भी फ्लो होगा, करंट भी फ्लो होगा और फ्रीक्वेंसी भी फ्लो होगी। वो एक साइन वेव में जो फ्लो होता है, यहाँ पे जो हमने ग्राफ थ्रू दिखाया है, अगर वो जो AC पावर होगा तो जो DC पावर होगा तो उसमें जो कॉन्स्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी है जो DC पावर में नहीं रहती है। इसीलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है जो ओनली AC पावर पे वर्क करता है, DC पावर पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है जो DC पावर पे वर्क क्यों नहीं करता है, तो आपको ईजिली बता सकोगे कि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। यहाँ पर जो हमने ग्राफ दिखाया है जो 0 से लेकर 360 डिग्री तक दिखाया है, उसमें जो हम पावर है जो फ्लो होता है उसमें वोल्टेज भी फ्लो होता है, करंट भी फ्लो होता है और फ्रीक्वेंसी भी फ्लो होती है। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव है जो फ्लो होता है, और सेकंड हाफ साइकिल है जो नेगेटिव फ्लो होता है। यहाँ पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और 180 डिग्री से 360 डिग्री है जो नेगेटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पर जो 0 से लेकर 360 डिग्री तक है जो 1 साइकिल यहाँ पर दिखाई है, हम इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो 1 सेकंड में 50 टाइम है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो फ्लो होगा, और 50 टाइम है जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो फ्लो होगा। मीन्स कि हमने कोई लैंप कनेक्ट किया होगा, तो पॉजिटिव में मान लो कि हमारा लैंप ऑन होगा तो नेगेटिव में ऑफ होगा। तो 1 सेकंड में 50 टाइम है जो हमारा लैंप ऑन होगा, और 50 टाइम है जो हमारा लैंप है जो ऑफ होगा। उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे जो वोल्टेज एंड करंट फ्लो होता है जो 0 से लेकर 180 डिग्री तक है, यहाँ पे एक ही साथ मिल जाता है 180 डिग्री पे, और 360 डिग्री है वहाँ पे एक ही साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो हम पावर फैक्टर है जो यूनिटी पावर फैक्टर बोल सकते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स के 1 जो पावर फैक्टर है जो 0 से लेकर 1 तक मेजर किया जाता है। अगर आपका जो कोई इक्विपमेंट है इसका पावर फैक्टर 1 होगा तो उसकी एफिशिएंसी है जो 100% होगी, तो उसको हम यूनिट पावर फैक्टर बोलते हैं। जो रेजिस्टिव लोड रहता है उसका पावर फैक्टर है, जो यूनिटी पावर फैक्टर तो नहीं रहता बट जो नियरली यूनिटी मीन्स के 1 पावर फैक्टर रहता है जो 0.99 समथिंग रहता है। जो रेजिस्टिव लोड है उसमें क्या क्या होगा, तो हमारा जो लैंप है, हीटर है, LED बल्ब है, जो हीट में जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को वो रेजिस्टिव लोड रहता है, उसका पावर फैक्टर नियरली 1 रहता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर क्या है। यहाँ पे मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, जो हमने आगे देखा था कि कोई वायर है उसमें से वोल्टेज भी फ्लो होता है, करंट भी फ्लो होता है और फ्रीक्वेंसी भी फ्लो होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज भी फ्लो होता है और करंट भी फ्लो होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे जो वोल्टेज एंड करंट है दोनों 0 से स्टार्ट होता था और 180 डिग्री पे साथ हो जाता था, और 360 डिग्री पे दोनों साथ रहता था। यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज है जो 0 से स्टार्ट हुआ है, और जो करंट है जो लेट स्टार्ट हुआ है, मीन्स के 0 से यहाँ पे वोल्टेज स्टार्ट हो गया, जो करंट है यहाँ पे लेट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है मीन्स के यहाँ पे जो गैप है जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे जो 180 डिग्री है वहाँ पे जो वोल्टेज है वो 0 हो गया, बट करंट है जो लेट 0 होगा तो उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे करंट है जो लेट स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। जो इंडक्टिव लोड है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। जो इंडक्टिव लोड में हम कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है, जो मोटर हो गई, पंप हो गया, सीलिंग फैन हो गई, जिसमें कोयल रहती है वहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। जो हमारा गुड पावर फैक्टर है मीन्स के नियरली 1 हमारा पावर फैक्टर है उसको खराब करता है, तो हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। जो हमारा गुड पावर फैक्टर को बैड पावर फैक्टर में कन्वर्ट करता है,
हमारा गुड पावर फैक्टर है, मींस के नियरली वन पावर फैक्टर है। अगर आपका जो पावर फैक्टर है जो वन होगा, जो जीरो से लेकर वन तक मेजर होता है, अगर आपका पावर फैक्टर वन होगा तो हम कोई भी इक्विपमेंट है उसका पावर फैक्टर वन होगा तो उसकी एफिशिएंसी है जो 100% होगी। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिसकी एफिशिएंसी जो 100% है, उसमें कुछ ना कुछ तो लॉसेस रहता है, इसलिए 0.99 समथिंग हम रखने की कोशिश करते हैं जो यूनिटी पावर फैक्टर के नियरली है। बट उस पर हम लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स के इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा गुड पावर फैक्टर है उसको ख़राब करेगा, मीन्स के बैड पावर फैक्टर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडक्टिव पावर फैक्टर है उसको हम गुड पावर फैक्टर मीन्स के यूनिटी पावर फैक्टर पे कन्वर्ट करने के लिए हम लीडिंग पावर फैक्टर का यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है जो लीडिंग पावर फैक्टर का है, हमने आगे देखा था कि लैगिंग पावर फैक्टर में क्या था, हमारा वोल्टेज जो जीरो से स्टार्ट होता था और जो करंट है जो लेट स्टार्ट होता था यहाँ से स्टार्ट होता था। तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या रहता है, जो वोल्टेज है जो जीरो से स्टार्ट होता है बट जो करंट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मीन्स के यहाँ से हमने ड्रॉ किया है बट ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये गैप है जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। और जो करंट है जो लीड करता है वोल्टेज को, इसलिए हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो लीडिंग पावर फैक्टर में कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है, जो कैपेसिटिव लोड है वो हम लीडिंग पावर फैक्टर में कनेक्ट करते हैं। जो हम कैपेसिटर बैंक हो गया, इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक का यूज़ होता है जो लैगिंग पावर फैक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जो नियरली यूनिटी पावर फैक्टर हम रखते हैं मीन्स के 0.99 समथिंग रखते हैं, अगर हमने लैगिंग पावर फैक्टर ही रखा तो गवर्नमेंट से हमको पेनल्टी भी मिल सकती है, इसलिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए फ्रेंड हम एक एग्जाम्पल थ्रू देख लेते हैं कि पावर फैक्टर हम किसको बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रहा है जो एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, उसमें जो एक्टिव पावर है जिसका रेटिंग है जो KW में रहता है, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है जो हमारा एक्टिव पावर है, और उसके ऊपर है जो रिएक्टिव पावर है जिसका रेटिंग है जो KVAR में है, उसका कोई यूज नहीं है इसलिए हम उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और हमारा जो टोटल पावर क्या हुआ, जो KVA हुआ। हमारा पावर फैक्टर का इक्वेशन क्या है, जो हमने पहले देखा था, जो हमारा रियल पावर मीन्स के एक्टिव पावर अपॉन KVA मीन्स के KW अपॉन KVA जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।